हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में समझेंगे हम बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी होती है वो कैसे फिल की जाती है, कैसे भरी जाती है। ओके, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आपका जो पेपर है वो पूरा बेकार हो जाएगा, और लास्ट में जाकर अगर रिजल्ट खुलेगा तो पेपर में क्या आएगा, उसमें फेल आएगा लिखा हुआ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो आपने कॉपी भरी है वो गलत हो जाएगी। तो कॉपी को भरना जरूर आना चाहिए। कैसा भरते हैं क्रम बाई क्रम आपको बताया जाएगा, और बोर्ड एग्जाम के लिए कॉपी कैसे लिखी जाती है, ओके, कैसे ट्रिक्स लगाते हैं पास होने के लिए, सारा कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ओके, और समझिए स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको भरनी है कॉपी। तो देखिए, ये जो कॉपी है ये बोर्ड एग्जाम के लिए है। पहला इसमें ऑप्शन है कि केंद्र व्यवस्था की मोहर, तो यहाँ पर एक मोहर भरी जाएगी कॉलेज के द्वारा। ओके, और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए कॉपी है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ दिशा निर्देश हैं, आपको ये पता होने चाहिए। गाइडलाइंस अगर आपको पता है तो आप कोई गलती नहीं कर पाएंगे। देखिए, पढ़िए। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। अगर आपने नाम लिख दिया है तो वहां पर ही क्या है, कॉपी बेकार हो जाएगी और क्रॉस कर देंगे वो इसको। और केंद्राक्ष एवं कक्ष निरीक्षक को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। देखिए, कॉलेज से बाहर भी तलाशी लेंगे वो, कॉलेज के अंदर जाकर भी तलाशी लेंगे, कभी कुछ नकल तो ना हो किसी पे, तो उसको बताया गया है। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तक किसी प्रश्न पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जो निर्देश दिए जाएंगे वो सारे के सारे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ने चाहिए। निम्नांकित क्रमांक 1 से लेकर 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं भरें, मतलब इसमें जो 1 से लेकर 6 तक का पूरा पैटर्न है ये खुद भरना अपने राइटिंग में। ओके, आगे समझिए फिर क्या भरना इसमें। देखो, इसको भरना सीखें। पहला ऑप्शन दे रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। जो आपका रोल नंबर आएगा एंट्री पर वो आपको फिल करना है, और अच्छी तरीके से करना है, यही मेन चीज है। दूसरा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में कैसे लिखा जाता है। इसमें काफी मिस्टेक करते हैं कुछ लोग, काफी मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो इसको ध्यान से देखें कैसे भरेंगे हम। और तीसरा है विषय एवं प्रश्न पत्र कैसे भरा जाएगा परीक्षा का दिन, ये सारा कुछ आपको भरना सिखाया जाएगा। और कॉपी कैसे लिखा जाता है ये भी सिखाया जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए। ओके, देखिए कैसे भरेंगे इसको, उसको समझें आप, इसको भरना सीखें। इसके सारे देखिए, ये 6 है इसमें, तो 6 के 6 आपको भरना सिखाए जाएंगे। समझते हैं इसको, देखिए शुरू में क्या है वो देखें। आपको जो भरना है शुरू में भरना है क्या है, यह है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक रोल नंबर। जो रोल नंबर आपको एंट्री पाया है वो तो आप एंट्री निकालेंगे, सामने रखेंगे, उसमें से देखकर आराम से इसको फिल करेंगे। मान लो आपको जो अनुक्रमांक आया है वो ये आया है 0 5 2 4 6 3 6 4 2 9 2 2 4 2 6 2 8 2 10। लगभग 10 अंक का आपको क्या मिलेगा, एक अनुक्रमांक मिलेगा, रोल नंबर मिलेगा। अब इसको आप जो लिखेंगे शब्दों में कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें काफी गलती होती है। देखिए, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से बहुत लंबा पैटर्न होता है। इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है, तो इसको आसान तरीके से आप कैसे लिखेंगे वो समझें। देखिए शुरू में क्या है, 0, और 0 को आपको क्या लिखना है हिंदी में, 0। क्या लिखेंगे आप, 0, तो आपने लिखा इसकी जगह 0। फिर क्या है आपके पास, 5, तो आप लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे, 5। फिर क्या आया, 2, तो फिर लिखेंगे आप 2। ठीक, फिर क्या आया कितना, 4, तो फिर लिखेंगे आप 4। कितना आ गया, 4। फिर कितना गया, 6, तो 6 लिखते हैं यहाँ पे। क्या लिखेंगे, 6। फिर कितना है, 3, तो यहाँ पर लिखते हैं 3। ओके, हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 3। फिर कितना है, 6, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर। कितना लिख दिया, 6। फिर कितना है, 4, तो फिर 4 लिखेंगे यहाँ पर हिंदी में शब्दों में। और फिर कितना बचा, 2, तो फिर लिखेंगे आप 2। क्या लिखेंगे, 2। फिर कितना बचा, 9, तो फिर लिखेंगे 9। तो ये सारे जो अंक हैं ये आपको लिखने हैं किसमें, शब्दों में। तो शब्दों में इस तरीके से लिखे जाते हैं कि 0 5 2 4 6, अब कितना आ गया, 3, फिर 6, फिर 4, फिर 2 और फिर 9। तो इस तरीके से आप आसान तरीके से लिख सकते हैं। आगे समझे, मान लो आपका जो विषय है, आप जो पेपर देने के लिए गए हैं वो हिंदी का पेपर है, और हिंदी कौन सी है, सामान्य हिंदी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सामान्य हिंदी का पेपर, सामान्य हिंदी। क्या लिखेंगे, सामान्य हिंदी। तो इस तरीके से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ओके, अब प्रश्न पत्र जो भी है, मान लो प्रथम है तो प्रथम लिखें, द्वितीय है तो द्वितीय लिखें, जो भी इसमें प्रथम, जो भी इसमें प्रश्न पत्र है। ओके, अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, अब ये भी मेन चीज है। एक आता है पेपर पर पेपर कोड आता है। ओके, वो आपको यहाँ पर लिखना है।
तो पेपर कोड मान लो आ गया आपके पास 801 ब्रिगेड में डी, तो ये पेपर कोड मिलेगा, ये सबका यूनिक होता है ओके सेंटर के हिसाब से, तो आप वहां पे ये फिल करेंगे। परीक्षा का दिन मान लो जो पेपर है वो मंगलवार को हुआ है, तो मंगलवार लिख सकते हैं यहाँ पर मंगलवार ओके, तो परीक्षा का दिन यहाँ पे लिखा जाएगा। परीक्षा तिथि एवं पाली जो पेपर है, ऐसा मान लो ये आपका जो पेपर है मान लो 6 मार्च को हुआ है, कितना है 6 मार्च को, 6 मार्च 2024 को ये पेपर हो रही है, तो आप वो डेट यहाँ पे फिल कर सकते हैं। केंद्र का नाम, अभी जी केंद्र का नाम क्या लिखेंगे आप, केंद्र का नाम जो देखिए जहां पर सेंटर जाता है वहां पर उस कॉलेज का एक नाम होगा, तो वहां पर केंद्र का नाम लिखेंगे। मान लो कोई सा भी कॉलेज है तो आ, आप वहां पर फिल कर सकते हैं। मान लो आ चुका है यहाँ पर, क्या आ चुका है कि बसंत इंटर कॉलेज, जो भी नाम है जहां पर आप पेपर देने के लिए गए हैं उस केंद्र का नाम वहां पर लिखेंगे, जो भी कॉलेज का नाम होगा। कक्ष निरीक्षक भरें, कक्ष निरीक्षक का मतलब ये है कि किस कक्षा में आप पेपर दे रहे हैं उसका कक्षा का नाम भी वहां पर लिखा जाएगा, उपयुक्त प्रविष्टों का निरीक्षण भी किया जाएगा। अब निरीक्षण कैसा होगा, एक टीचर आएगा वो कॉपी को चेक करेगा कि सही करके फिल करी ना करी है, तो इस तरीके से आप कॉपी भरेंगे अच्छे तरीके से, इसमें कुछ गलती नहीं होनी चाहिए ओके। और ये जो रोल नंबर है इसमें काफी ध्यान देना है, और हर पेज पर आपको लिखना है, जब कॉपी आप लिखेंगे तो फर्स्ट वाले पेज पर, सेकंड वाले पेज पर, थर्ड वाले पेज पर, सब पेजों पर ये रोल नंबर लिखना आपको जरूर है। तो रोल नंबर लिखना आपको जरूर है हर पेज पर, इसका ध्यान रखें ओके। तो इसको ध्यान से समझ लें कैसे ये फिल किया गया है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए ओके। चलिए।